The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So Topic for today is a very, very important scan which is called Gallium Scan. Kya hota hai, gallium scan. कैसे उसके अंदर से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है और क्यों किया जाता है ये स्कैन आपको या आपके मेडिकल ट्रीटमेंट uh, uh, के दौरान कैसे हेल्प कर सकता है ये स्कैन गैलियम स्कैन कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा और कई लोगों ने सिर्फ टीवी में देखा होगा सो गैलियम स्कैन बेसिकली हम किसी इंफ्लामेटरी स्वेलिंग या इन्फेक्शन को या कैंसर को ढूंढने के लिए करते हैं अगर हमें लग रहा है कि किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है हमें नहीं पता वो कहाँ है हमें लग रहा है पेशेंट को कोई कैंसर है हमें नहीं पता वो कहाँ है हमें कैसा लग रहा है उसको सिम्टम हो रहे हैं जो कि एक कैंसर वाले पेशेंट को होते हैं या बुखार आ रहा है लेकिन यह नहीं पता क्यों आ रहा है कहाँ है इन्फेक्शन हमें नहीं पता क्यों आ रहा है कहाँ है सो so, कभी कभी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन या कैंसर को ढूंढने के लिए अपनी बॉडी में लिवर में है किडनी में है आथड़ियों में है ऐसे ढूंढने के लिए गैलियम स्कैन किया जाता है जिसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियो एक्टिव इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है गैलियम 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 तो गैलियम को एक तरीके का न्यूक्लियर मेडिसिन है ये न्यूक्लियर मेडिसिन वाला एग्जाम है इसमें हम जैसे लंग्स के अंदर से कई बार गैलियम स्कैन लंग्स में भी ढूंढ हर जगह ढूंढ सकते हैं सो न्यूक्लियर मेडिसिन का मतलब होता है कोई ना कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल आपकी बॉडी में डाला जाता है और उसको न्यूक्लियर टेस्ट करके डिटेक्ट किया जाता है वो कहाँ जा रहा है जहां पर एक्टिविटी ज्यादा है जहां कैंसर है जहां पे इंफेक्शन है जहां पर इंफ्लामेशन है वहां उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी जहां पे भी मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है वहां वो उसको ज्यादा मात्रा में खींच लेगा गैलियम और वो ब्राइटली ऐसा टंग से लाइट बल्ब जैसा जगह दिखाई या है स्वेलिंग यह है कैंसर तो हम आइडिया लगा सकते हैं फिर कि ओके okay, यहां प्रॉब्लम है फिर उसकी जांच करके देख सकते हैं कि स्वेलिंग है इंफेक्शन है कैंसर है क्या है तो so, कैसे करा जाता है ये टेस्ट इसमें आपको आपके वेन के अंदर एक ब्लड टेस्ट लगा के वेन के अंदर कैनुला लगा के उसमें गैलियम डाला जाएगा गैलियम रेडियो एक्टिव मटेरियल है गैलियम आपके ब्लड के थ्रू जाएगा आपकी पूरी बॉडी में आपके सारे ऑर्गन्स में आपकी बोन्स में इकट्ठा हो जाएगा आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि भैया ऐसा करो थोड़ी दिन बाद आना पहले गैलियम को फैलने दो फैलने के लिए आपको छः से कई बार छः घंटे कई बार अड़तालीस घंटे फोर्टी आवर्स लग जाते हैं उसके बाद में अगेन आपको स्कैन uh, किया जाता है आपको एक सीटी स्कैन एम आर आई जैसी मशीन में डाला जाता है उसमें से आपका स्कैन होता है यू विल बेसिकली आपको स्पेशल कैमरा डिवाइस होता है बेसिकली जहां पर यह किया जाता है और आपको बिल्कुल हिलना नहीं है उसमें हिलना ढुलेंगे तो दिक्कत होगी तो हिलना डुलना नहीं है वो स्कैन करने के बाद में उसको थर्टी टू सिक्सटी मिनट्स लगते हैं वो स्कैन करने को और स्कैन करने के बाद में टेस्ट के रिजल्ट आते हैं तो क्या आपको इस टेस्ट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा रखना पड़ेगा जैसे कि अगर आप खाली पेट नहीं हो तो जो आपके ल, आपके इंटेस्टाइन में अगर स्टूल भरा पड़ा है बहुत ज्यादा तो वो दिक्कत करेगा इसलिए आपको फिर दिक्कत ना वो दिखने नहीं देगा चीजों को सही से तो इसलिए एक रात पहले आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं लेग्जिटिव किसी प्रकार का लेग्जिटिव जो आपकी हेल्प करेगा और जो के मोशन सॉफ्ट करके निकाल देगा एनीमा दिया जा सकता है अगर दिक्कत है एक घंटे पहले दो घंटे पहले स्टूल्स नीचे से एनीमा फक से सारा मोशन निकल जाएगा और आपको लिक्विड्स खाना है बिल्कुल नॉर्मल लिक्विड्स पानी जैसा पी सकते हैं और फीलिंग में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें सिर्फ आपको उस मशीन के अंदर हिलना डुलना नहीं है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाप चा चीज है बाकी इंजेक्शन से थोड़ा सा आपको प्रिकीनेस होगा सुई लगेगी थोड़ी सी वो सुई का दर्द होगा और याद रखिए ये एक थोड़ा रेयर टेस्ट है ये रेगुलरली नहीं किया जाता ये तभी किया जाता है जब हमें कुछ नहीं मिल रहा हमें नहीं पता भाई क्या हो रहा है बॉडी में इन्फेक्शन है कि कैंसर है और कई बार इसको फिर तब किया जाता है इतना कॉमन नहीं है इसलिए आप लोगों ने ज्यादा सुना भी नहीं होगा कई लोगों ने नहीं सुना होगा राइट सो ये चीज हो गई रेयर टेस्ट है इट इज ओनली फॉर टू लुक फॉर कॉज ऑफ फीवर जैसे हमने कहा जो कि कई हफ्तों तक रह गया है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा एक नॉर्मल रिजल्ट मतलब गैलियम ज्यादातर हड्डियों में जाके इकट्ठा हो जाता है लिवर में स्प्लीन में लार्ज बाउल आपके इंटेस्टाइन्स में और कई बार थोड़े थोड़े ब्रेस्ट टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है थोड़ा थोड़ा लेकिन कहीं भी एक स्पॉट में ऐसा टंग जैसा लाइट बल्ब नहीं जाएगा लेकिन अगर एकदम कोई कहीं पर इंफेक्शन होगा कहीं पर कोई इस तरह की दिक्कत होगी कहीं मान लीजिए इंफ्लामेशन इंफेक्शन या ट्यूमर तो फिर किसी प्रकार का ट्यूमर हो जैसे हॉचकिंस डिजीज लॉन्ग हॉचकिंस लिम्फोमा तो फिर आपको वो एरिया एक उस जगह एरिया पे बहुत ज्यादा गैलियम इकट्ठा हो जाएगा एक साथ और वो दिखेगा तो और तो इस टेस्ट को और भी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि एक क्लॉट अगर आपके फेफड़ों में चला गया हो उसको देखने के लिए प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन या फिर कोई चेस्ट में लंग्स में इन्फेक्शन हो गया उसको ढूंढने के लिए सार्कोडोसिस को ढूंढने के लिए ट्यूमर को तो ही और स्क्लेरोडर्मा लंग्स की बीमारियों को ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस टेस्ट को रिस्क क्या है इसमें टेस्ट में सेफ है क्या देखिए कोई भी चीज 100 परसेंट सेफ तो होती नहीं है इसमें सुई लग रही है तो सुई से दर्द तो होगा इन्फेक्शन का रिस्क तो होगा छोटा रिस्क होता है रेडिएशन एक्सपोजर का क्योंकि इसमें एक्सरे से कम रेडिएशन है सी स्कैन से कम रेडिएशन है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन 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 प्रेगनेंट है अगर या नर्सिंग मदर हैं तो उन उस केस में उनको ये अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके बस कंसिडरेशन क्या है देखिए पहली बात याद रखिए हर प्रकार का कैंसर हर प्रकार का कैंसर इस स्कैन में पकड़ा नहीं जा सकता तो जरूर है कुछ प्रकार के कैंसर आराम से हाईली मेटाबॉलिक कैंसर्स पकड़ में आ जाते हैं सो हर प्रकार का कैंसर पकड़ा नहीं जा सकता कुछ एरियाज फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं जैसे अगर मान लीजिए अभी आपको कोई चोट लगी है वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है सिर्फ है सिर्फ सूजन है तो वहाँ पर भी गैलियम ज्यादा आ जाएगा मान लीजिए आपका कोई और रिसेंट ऑपरेशन हुआ है स्कार टिश्यू है उस कार टिश्यू में भी आपका गैलियम ज्यादा आ जाएगा चाहे वहां कुछ दिक्कत हो या ना हो समझे इंफेक्शन हो ना हो वो भी स्कैन में दिखेगा तो हर चीज जो दिख रही है वो लॉजिकल नहीं होती हमें अपना जो रेडियोलॉजिस्ट है उनके और हमारे उनके इंटरप्रिटेशन लेने होते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन करना होता है कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसको कौन सी बीमारी है क्यों है और कैसे हो रही है राइट सो गैलियम स्कैन ये होता है जो कि आपको रेगुलरली किसी को भी नहीं किया जाता सो so अगर आपने कभी किसी टीवी में देखा होगा तो उसमें हम कभी कभार लोकलाइज्ड गैलियम स्कैन जैसे लिवर का गैलियम स्कैन लंग का गैलियम स्कैन बोन का गैलियम स्कैन ऐसा भी करते हैं तो उसमें फिर ये देखा जाता है कि जब आपको गैलियम का इंजेक्शन लगाया वो इतने घंटे में बोन में गया इतने घंटे में लिवर में आएगा इतने घंटे में पूरी बॉडी में फैलेगा तो वो घंटे के बाद किया जाता है स्कैन तो वो एक आइडिया होता है जो आपके के इसमें आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई हाँ आपको इतने घंटे के बाद आना है स्कैन के लिए सो दैट्स ऑल अबाउट गैलियम स्कैन विच यू नीड टू नो लेकिन गैलियम स्कैन से पहले भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि जैसे आपका ब्लड टेस्ट होते हैं रूटीन सी बी सी एल एफ टी के एफ टी जो फीवर हो इन्फ्लामेशन हो उसको ढूंढने के लिए कैंसर को ढूंढने के लिए कैंसर मार्कर्स हैं जो भी कैंसर हमें सस्पेक्ट हो रहा है उसके पर्टिकुलर मार्कर्स होते हैं और बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड एक और उससे ज़्यादा सेफ मेथड है जिससे हम बॉडी के अंदर ढूंढा जा सकता है चाहे वो ब्रेस्ट में हो चाहे वो पेट में हो चाहे लिवर में हो गांठ हो या कैंसर हो ढूंढा जा सकता है तो अल्ट्रासाउंड शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन पहले वो करना होगा ब्लड टेस्ट पहले करने होंगे रूटीन टेस्ट पहले करने होंगे अगर उनमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो हम गैलियम स्कैन ऑब्वियसली एक महंगी जांच है सस्ती नहीं होती तो उसके जगह एक्सरे भी करके देख सकते हैं छाती में कोई बड़ी गांठ हो तो वो दिख जाएगी सीटी स्कैन करके देख सकते हैं वो भी एक ऑप्शन होता है छाती का एच आर चेस्ट या कभी कभी कॉन्ट्रास्ट एनहान सी किया जा सकता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं एम में भी कई बार ट्यूमर्स और ये आराम से दिख जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग्स को देखने के लिए एम भी एक मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ अ टेस्ट है गैलियम स्कैन उतना कॉमन नहीं है बट देन यू नी शूड नो वॉट ऑप्शन वो गैलियम स्कैन अगर किसी का होता है तो वो क्या होता है आपको उसका आइडिया होना चाहिए सो दिस इज अबाउट गैलियम स्कैन याद रखिए गैलियम स्कैन के जैसा एक स्कैन और के बारे में हमने जाना था जिसको हम कहते हैं थैलियम स्कैन एक है गैलियम स्कैन ये है थैलियम स्कैन थैलियम स्कैन हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है जो हमने स्ट्रेस थैलीम वाले वीडियोस में देखा था स्ट्रेस थैलियम बेसिकली हार्ट के हार्ट की एक्टिविटी और हार्ट के अंदर कहाँ कहाँ ब्लड प्रॉपरली जा रहा है उसको देखने के लिए किया जाता है सो तो अगर आपको हार्ट के टेस्ट हार्ट के नहीं देखे वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा और भी कोई सवाल है तो जरूर लिखिए एम डॉक्टर परमजीत यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी